हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? देखिए, जैसा आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग आपका नया चैप्टर आपका प्रारंभ कर रहे हैं। और जो हमारा नया जो आपका चैप्टर है वो है लोकतंत्र और विविधता, चैप्टर नंबर 3 हम लोग आपका प्रारंभ कर रहे हैं। और इस चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छे से आपका देखेंगे एक एक करके। क्रम वही रहेगा, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती मेरे प्यारे बच्चों, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को, अपने डाउट को मुझसे पूछ सकता है कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। क्लियर है? तो हम चलते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, देखिए जो आपका चैप्टर है वो हमारे सामने है, हमें चैप्टर को गौर करके देखना चाहिए। लोकतंत्र और विविधता को हम लोग देख रहे हैं। देखिए, मैं पूछूं लोकतंत्र क्या है और मैं पूछूं विविधता क्या है, इन दोनों के बीच अगर मैं बेसिक डिफरेंसेस की बात करूं तो डेमोक्रेसी अपने आप में अलग है और लोकतंत्र जो है बच्चों वो अपने आप में अलग है। दोनों का अपने आप में एक दूसरे के साथ कैसा तालमेल है, कैसा संगम है, कैसी परस्पति है, इन सबको हम लोग आपका देखते हैं। आइए हम लोग इस पर आपका बात करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर के परिचय पर गौर करेंगे कि क्या कह रहा है इसका आपका चैप्टर का परिचय, इसको देखते हैं। परिचय, पिछले अध्याय में हमने देखा है कि भाषाई और क्षेत्रीय विविधता को संग साथ लेकर चलने के लिए सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है। अब देखिए, भाषा के विषय में हम लोगों ने पढ़ा, क्षेत्रीय विविधता को हमने देखा और देखा कि इनको सबको साथ लेकर चलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है। अब देखिए, भारत में कितनी भाषा है, भारत में कितनी क्षेत्रीय विविधता है, हर राज्य में अलग अलग आपका जातीय स्ट्रक्चर है, संस्कृति है, आपका कल्चर है, खान पीन है, पहनावा है, बोली है, भाषा है, धर्म है, सबके अलग अलग हैं। उन इतनी सारी विविधता, इतनी सारी भाषा, संस्कृति, खान पान के होने के साथ ये सब भारत को एक अखंड रूप में प्रदर्शित करते हैं, जो बहुत बड़ी बात है। और जितनी बड़ी डाइवर्सिटी भारत के अंदर है मेरे प्यारे बच्चों, इतना कोई भी और दूसरा ऐसा देश नहीं है जहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी हो और इतने अच्छे और स्वार्थ से लोग क्या है भारत में रहते हैं। लेकिन लोगों की विशिष्ट पहचान सिर्फ भाषा और क्षेत्र के आधार पर नहीं बनती, कई बार लोग अपनी पहचान दूसरों से, अपने संबंध, शारीरिक बनावट, वर्ग, धर्म, लिंग, जाति, कबीले वगैरह के आधार पर भी आपके परिभाषित करते हैं। अब देखिए, तुम कैसे बनाओगे कि हम उनसे अलग है, कैसे हमारी क्षेत्रीय बनावट है, तो इसमें आपका सारे फैक्टर हैं, चाहे शरीर की बनावट हो, आपका वर्ण हो, धर्म हो, जाति हो, इन आधार पर इनको क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। ठीक है, ये इनको ध्यान रखना है। इस अध्याय में हम देखा है कि किसी तरह लोकतंत्र सारी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों और असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर उनका सर्वमान्य समाधान करने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं कि इस अध्याय में हम लोग देखेंगे लोकतंत्र के अंतर्गत सारी जो आपकी सामाजिक व आपकी विविधताएं हैं, उनके जो अंतर हैं और उनकी जो असमानताएं हैं, इन सबके बीच असमंजस्य आपका बैठा लेते हैं, सामंजस्य बैठाकर, और उनको क्या कोशिश करते हैं कि सब लोगों का आपके समाधान हो जाए, एक मत हो जाए और ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। यहाँ हम सामाजिक विभाजनों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति का एक उदाहरण के जरिए अपनी बात स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। एक हमको आपका सामाजिक विभाजन और आपका सार्वजनिक अभिव्यक्ति का एक एग्जाम्पल मिलेगा, जिसके माध्यम से हम इसको पढ़कर समझ सकते हैं कि क्या है, और इस पर हम लोग अपनी चर्चा भी कर सकते हैं। इसके बाद हम यह चर्चा करेंगे कि सामाजिक विभिन्नता कैसे अलग अलग रूप धारण करती है, और देखेंगे कि जो आपकी सामाजिक विभिन्नता है वो कैसे अपना अलग अलग जो रूप है वो आपका धारण करती है, हम इसको देख सकते हैं। फिर भी हम देखेंगे कि सामाजिक विभिन्नता और लोकतांत्रिक राजनीति किस तरह से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, क्या करते हैं ये, एक दूसरे को कैसे आपका प्रभावित करते हैं, इसके विषय में भी हम लोग अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुल मिलाकर बात यह है कि सिंपली हम इस चैप्टर में आपका देखने जा रहे हैं कि लोकतंत्र के अंदर कैसे आपका विविधता समाहित हुई है, कैसे सभी लोगों के हितों को संरक्षित किया गया है, कैसे संस्कृति धर्म को उनको समाहित करके सामंजस्य बैठाकर
कैसे उनको एक रूपता में एक साथ आपके सत्ता में चलने, लोकतंत्र में भागीदारी के लिए कैसे उनको प्रोत्साहित किया गया है, इन सभी को हम लोगों को इस लेक्चर के अंतर्गत देखना है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? चलिए, जितना फिलहाल पढ़ा है उसमें कोई डाउट हो, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। आप थोड़ा सा हम लोग इसमें चेंज करके थोड़ा सा कुछ देखते हैं और विशेष। ये क्या है? मैक्सिको ओलंपिक की कहानी। कह रहे कि मैक्सिको में ओलंपिक हुआ था, उसकी कहानी को हम लोग यहाँ देखेंगे और इससे कुछ हम लोग आपका समझने का प्रयास करेंगे। इस पृष्ठ में छपी तस्वीर अमेरिका में चल रहे नागरिक अधिकार आंदोलन की एक प्रमुख घटना से संबंधित है। यह 1968 में मैक्सिको सिटी में हुए ओलंपिक मुकाबले की 200 मीटर दौड़ के पदक में समारोह की तस्वीर है। कितने हैं कि ओलंपिक में आपको 200 मीटर की दौड़ हुआ है, उसमें पदक जो मिलते हैं, जो आपके पदक आपकी सेरेमनी होती है, उस सेरेमनी की आपकी एक फोटो है, एक पिक्चर है, एक तस्वीर है। अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा था और सिर झुकाकर मुट्ठी बांधे तैनात खड़े दो खिलाड़ी खड़े थे। वे हैं अमेरिका के धावक थॉमी स्मिथ और जॉन कॉर्लेस। ये अफ्रीको अमेरिकी हैं, इन्हें आप कैरम से स्वर्ण और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने जूते नहीं पहने थे, सिर्फ मोजे चढ़ाए और पुरस्कार लेने के लिए दोनों यहां यह जताने की कोशिश कर रहे थे कि अमेरिकी श्वेत लोग गरीब हैं। स्मिथ ने अपने गले में एक काला मफलर जैसा परिधान यानी कि कोई कपड़ा पहन रखा था, ठीक, जो अश्वेत लोगों के आत्मा गौरव का प्रतीक है। कार्ले ने मरे गए अश्वेत लोगों को याद में काले की एक माला की माला पहनी थी। अपने इन प्रतीकों और तौर तरीकों से उन्हें अमेरिका में होने वाले भेदभाव के प्रति अंतर्राष्ट्रीय बरादरी में धीन ध्यान खींचने की कोशिश की। काले दस्ताने और बांधी हुई मुट्ठी अश्वेत का प्रतीक है। रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉमस ने पुरस्कार समारोह में अपनी जर्सी पर मानव अधिकार का बिल्ला लगाकर इन दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना प्रार्थना पत्र जताया। क्या कॉर्लेस और स्मिथ अपनी अमेरिकी समाज के आंतरिक मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना चाहते थे? क्या आप उनके काम को राजनीतिक मानोगे? पीटर नॉमस जो ना कि अमेरिकी थी और ना श्वेत थे, क्योंकि इस विरोध में शामिल हो गए, क्या आपकी उनकी जगह तो ऐसे ही करते थे? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्लोस और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बनाए जाने के युक्ति ओलंपिक भावना के विरुद्ध उन्होंने बताते हुए उनको दोषी करार कर दिया कि उन्होंने ओलंपिक में आपका विरोध प्रदर्शन करा, तो उनको क्या कर दिया, आपका दोषी करार कर दिया गया और उनके पदक वापस ले लिए गए। नॉमन को भी अपने फैसले की कीमत चुकानी पड़ी। अगले ओलंपिक में उन्हें ऑस्ट्रेलिया में टीम की जगह नहीं दी गई। उनके फैसले से अमेरिका में बढ़ते नागरिक अधिकार के प्रति दुनिया का ध्यान खींचने में सफलता पाई। हालांकि सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी ने, जहां इन दोनों ने पढ़ाई की थी, इन दोनों का अभिनंदन किया, विश्वविद्यालय के भीतर उनकी मूर्ति लगवाई और 2006 में नॉमस बोले की मौत हुई और उनकी अर्थी को कंधा देने वाले स्मिथ और कार्लेस भी थे। ये देखिए, यहाँ ये दो व्यक्ति हैं, ये आपके तीसरे व्यक्ति इनके साथ खड़े हैं। देखिए इन्होंने किस तरह से रंग भेद के खिलाफ अपनी लड़ाई को पाप का प्रदर्शित करा और ये इमेज वहां लगी हुई है। इस तरह से आप इनको देख सकते हैं, आप इनको समझ सकते हैं। देख लिया बच्चों? ध्यान रखना इतना। देखिए, समानता, असमानताएं और आपका विभाजन, इनके विषय में हम लोग आपका देख लेते हैं और इनके विषय में पढ़ लेते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों में खिलाड़ी सामाजिक बंटवारे और सामाजिक भेदभाव का अपने तरीके से विरोध कर रहे थे, पर क्या ऐसा भेदभाव सिर्फ नस्ल या रंग के आधार पर ही होता है? पिछले दो अध्याय में हमने सामाजिक बंटवारे के कुछ अन्य स्वरूपों को देखा था।
उदाहरण के लिए बेल्जियम और श्रीलंका में यहाँ विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तरों पर मौजूद था। बेल्जियम में अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषा बोलते थे। श्रीलंका में यह बंटवारा भाषा और क्षेत्रीय दोनों आधार पर दिखाई देता है। इस प्रकार हर समाज में सामाजिक विविधता अलग अलग रूप से सामने आती है। कैसे करती है? अलग अलग रूप से क्या करते हैं आपके सामने आती है और ये विविधता हमको आपका दिखाई भी देती है। ठीक, सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। कह रहे हैं कि आखिर में सामाजिक जो भेदभाव है उसकी उत्पत्ति कब से प्रारंभ हुई, क्या चीज है, थोड़ा सा इस पर गौर करिए और थोड़ा सा इसका आप लोगों को देखना भी है। सामाजिक विभाजन अधिकांश जन्म के आधार पर आधारित होता है। सामान्य तौर पर अपना समुदाय चुनना हमारे बस में नहीं होता। हम सिर्फ इस आधार पर ही खास समुदाय के सदस्य हो जाते हैं कि हमारा जन्म उस समुदाय के एक परिवार में हुआ था। जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन का अनुभव हम अपने दैनिक जीवन में लगभग रोज करते हैं। हम अपने आसपास देखते हैं कि चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष, लंबा हो या छोटा, चमड़ी का रंग अलग अलग है, उनकी शारीरिक क्षमता अक्षमता अलग है। बहरहाल सभी किस्म के सामाजिक विभाजन सिर्फ जन्म के आधार पर नहीं होते। कुछ चीजें हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर भी तय होती हैं। कई लोग अपने माँ बाप और परिवार से अलग अपनी पसंदीदा धर्म चुन लेते हैं। हम सभी लोग पढ़ाई के विषय में पैसा, खेल या सांस्कृतिक गतिविधि का चुनाव अपनी पसंद से करते हैं। इन सब के आधार पर सामाजिक समूह बनते हैं और ये जन्म के आधारित नहीं होते। तो देखिए, जो कुछ आपके सामाजिक जो आपके समूह बनते हैं कि कैसे नहीं होते, ये आपके बाई बर्थ आपका नहीं होता, ये हमारे पास ऑप्शन होता है, अपनी च्वाइस को लेकर हम लोग पसंद करते हैं और हम लोग सामाजिक समूह जो है आपका उसी प्रकार से इसको बनाते हैं। ठीक, आगे देखिए। हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का स्वरूप नहीं लेती। सामाजिक विभिन्नता लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण होती है, जरूरत है, लेकिन यही विभिन्नता कई अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का काम भी करती है। विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग अपने समूहों की सीमा से परे भी समानता और असमानताओं का अनुभव करते हैं, जो उदाहरण से पहले लिया गया है। उसमें कार्लेस और इसमें दो एक हिसाब के समान थे, दो एग्रो अमेरिकी थे जब नॉर्मन स्वेद थे, पर इन और तीनों में एक समानता थी कि सभी नक्सल आधारित भेदभाव के खिलाफ है। और कह रहे हैं कि जो भी आपकी सभी नस्ल है वो आपका क्या है, भेदभाव के आपका खिलाफ थी। अक्सर यह देखा जाता है कि एक धर्म को मानने वाले लोग खुद को ही नहीं समुदाय का सदस्य मानते, क्योंकि उनकी जाति उनका पंथ अलग होता है। यह संभव है कि अलग अलग धर्म के अनुयायी भी होकर एक जाति वाले लोग खुद को एक दूसरे के ज्यादा करीब महसूस करेंगे। एक ही परिवार के अमीर और गरीब ज्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं रख पाते, क्योंकि सभी अलग अलग तरीके से सोचने लगते हैं। इसी प्रकार हम सभी को एक से ज्यादा पहचान होती है। इस तरह से लोगों को ज्यादा सामाजिक समूह का हिस्सा हो सकते हैं। दरअसल संदर्भ में हमारी पहचान का एक अलग रूप अलग धारणा है। कैसी है? एक अलग रूप है और एक अलग हमारी धारणा है जो हमको इसमें देखना हो। इस कार्टून में हर व्यक्ति अलग अर्थ निकाल सकता है। आप कार्टून का मतलब क्या समझते हैं, आप अपनी कक्षा में छात्र से देखिए, इस कार्टून को देखिए और इसका मतलब निकालिए। पूछिए बच्चों, जितना हमने फिलहाल पढ़ लिया है, इसमें कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे देखिए, विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव। कह रहे जो आपके विभिन्नता है उसमें सामंजस्य और आपके टकराव की क्या स्थिति है, इसको देखते हैं। सामाजिक विभाजन तब होता है जब सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर होते हैं। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है, क्योंकि अश्वेत लोग
आम तौर पर गरीब हैं, बेघर हैं, भेदभाव का शिकार हैं। हमारे देश में सभी दलित आम तौर पर गरीब और भूमिहीन हैं। उन्हें अक्सर भेदभाव व अन्याय का शिकार होना पड़ता है। जब एक तरह का सामाजिक अंतर और ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है तो लोग यह महसूस करने लगते हैं कि दूसरे समुदाय के तो इसके सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा हो गई है। अगर एक सी सामाजिक असमानता कई समूह में मौजूद हो तो फिर भी एक समूह के लोगों के लिए दूसरे समूह से अलग पहचान बनाना मुश्किल होता है। इसका मतलब यह है कि किसी एक मुद्दे पर कई समूह के हित एक जैसे हो जाते हैं, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर उनके नज़रिए में अंतर हो सकता है। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड का उदाहरण लें, दोनों ही ईसाई बहुमूल्य देश हैं। खैर, चाहे आपका नीदरलैंड हो चाहे आपका आइसलैंड हो, दोनों ही कैसे हैं, आपका ईसाई बहुमूल्य क्षेत्र हैं, लेकिन लोग प्रोटेस्ट और कैथोलिक खेमे में बटे हैं। अब देखिए, इसमें दो आपके खेमे हैं, एक आपका प्रोटेस्ट है, एक आपका कैथोलिक खेमे। आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है। वहाँ का कैथोलिक समूह गरीब है, लंबे समय से उनके साथ भेदभाव होता आया है। नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच में मेल खाता नहीं है। वहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्ट दोनों ही अमीर और गरीब हैं। परिणाम यह है कि उत्तरी अमेरिका में कैथोलिक और प्रोटेस्ट के बीच भारी मारकाट चलती रहती है, पर नीदरलैंड में ऐसा नहीं होता। जब सामाजिक विभिन्नताओं के एक दूसरे से गुज जाती है तो वहाँ गहरे सामाजिक विभाजन की जमीन तैयार होने लगती है। यहाँ सामाजिक विभिन्नता के साथ कई समूहों में विद्यमान होती है और उन्हें संभालना अपेक्षाकृत आसान होता है। कैसा होता है उनको? उनको संभालना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। आज अधिकतर समाज में कई किस्म के सामाजिक विभाजन दिखते हैं। देश बड़ा हो या छोटा हो, खास फर्क नहीं पड़ता। भारत काफी बड़ा देश है और इसमें अनेक सामाजिक समूह लोग रहते हैं। बेल्जियम एक छोटा सा देश है, पर वहाँ भी अनेक समूहों के लोग हैं। जर्मन और स्वीडन जैसे समरूप समाज में भी, यहाँ जहाँ मोटे तौर पर अधिकतर लोग एक ही नस्ल एक ही संस्कृति के हैं, दुनिया के दूसरे हिस्सों तक से पहुँचने वाले लोगों के कारण तेजी से बदलाव आ रहा है। ऐसे लोग अपने साथ अपनी संस्कृति लेकर पहुँचते हैं, उनमें अपना अलग समुदाय बनाने की प्रवृत्ति होती है। इस हिसाब से आज दुनिया के अधिकतर देश बहुसंस्कृति हो गए हैं। कि कह रहे हैं, आप कहीं का भी देश उठा लीजिए, वो क्या हो गए हैं, आपका बहुसंख्यक आपका हो गए हैं, बहुसंस्कृति आपका हो गए हैं। क्योंकि हर देश में लोगों का पलायन हो रहा है, जो हर लोग अलग संस्कृति अलग धर्म अलग भाषा के हैं, ठीक, जिससे किसी अब एक देश में एक संस्कृति नहीं है बल्कि बहुसंस्कृति का बढ़ावा है। समरूप समाज एक ऐसा समाज जिसके समुदाय संस्कृति और जातीय विभिन्नताएं ज्यादा गहरी नहीं होती। चलिए बच्चों, तो यहां तक किसी को डाउट, कोई चीज समझ नहीं आई हो, चलिए इसको बाद में पढ़ेंगे। सामाजिक विभाजन की आपका राजनीति को जो है हम बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले जितना पढ़ा है उसमें अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे एक बार पूछिए मेरे प्यारे बच्चों। किसी भी बच्चे का पढ़ लिया? चलिए, तो यहां तक कोई डाउट? तो इतना आपने देखा, चलिए तो इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अब हमको यहां पढ़ना है, चलिए एक बार फिर मैं आपको समझ देता हूं। 30 सेकंड का आप लोग पढ़ सकते हैं, कुछ भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम बात करेंगे थोड़ा इसमें आपका सामाजिक विभाजन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। कह रहे, जो आपका सामाजिक विभाजन होता है वो आपका राजनीति को आपका किस प्रकार आपका प्रभावित करते हैं, इसके विषय में हम लोगों को देखना है।
देखिए, राजनीति का इन सामाजिक विभाजन से क्या लेना देना है? पहली नजर तो राजनीतिक और सामाजिक विभाजन का मेल बहुत खतरनाक और विस्फोटक लगता है। कह रहे कि अगर हम पहली नजर में ही अगर हम लोग आपका देखते हैं कि आपका राजनीतिक और आपका सामाजिक विभाजन का जो अगर मेल हो जाए, ये पहले ही अपने आप में बहुत खतरनाक और कैसा है, विस्फोटक है। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता का माहौल है, यानी कि देश में जो भी पॉलिटिकल जो पार्टी है उनमें आपस में कैसा कॉम्पिटिशन है, बहुत भयंकर कॉम्पिटिशन है। इस प्रतिद्वंदी के कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन सकता है, और हो सकता है कि कोई भी समाज क्या बन जाए, आपका फूट का शिकार बन सकता है। अगर राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजनों के हिसाब से राजनीति छोड़ने करने लगे तो इसे सामाजिक विभाजन या राजनीतिक विभाजन में बदलाव ला सकता है, और ऐसे में देश विखंडन की तरफ जा सकता है। ऐसा कोई देश में हो चुका है, और कह रहा है कि बहुत सारा है जो ऐसी चीजें हैं, ये कई देश में आपका हो चुका है। परिमाणों का दायरा, क्या जो आपके रिजल्ट निकले हैं उनका क्या दायरा है, कहां तक उनकी सीमा है। देखिए, उत्तरी आयरलैंड का एक उदाहरण लें जिसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। ग्रेट ब्रिटेन का यह हिस्सा काफी लंबे समय तक हिंसा, जातीय कट्टरता और राजनीतिक टकराव में गिरफ्त में रहा। यहाँ की आबादी मुख्यतः ईसाई है, पर इस धर्म में दो प्रमुख पंथों की बुराई में बटा है। इसमें 53% आपके प्रोटेस्ट है, जबकि 44% हिस्सा इसका रोमन कैथोलिक है। कैथोलिक का प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टी करती है। उनकी मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए, जो कि मुख्य कैथोलिक बहुलक है। प्रोटेस्ट लोगों का प्रतिनिधित्व यूनाइटेड पार्टी करती है, जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ रहने के पक्ष में है। जो किसके साथ वो आपके रहने के पक्ष में है, ब्रिटेन, जो आपका ग्रेट ब्रिटेन है उसके साथ रहने के लिए पक्ष में है। क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन मुख्यतः प्रोटेस्टेंट देश है, यूनिसिस्ट पार्टियों और आपका नेशनलिस्ट पार्टियों के बीच चलने वाली हिंसक टकराव में ब्रिटेन के सुरक्षा बल सहित सैकड़ों लोग और जवान मारे जा चुके हैं। 1998 में ब्रिटेन सरकार और नेशनलिस्ट के बीच शांति समझौता हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात को स्वीकार किया। यूगोस्लाविया में कहानी का एक ऐसा दुखद अंत नहीं हुआ। वहां धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर शुरू हुई राजनीति में होड़ में यूगोस्लाविया में कई टुकड़े हो गए। ऐसे उदाहरण के आधार पर कुछ लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि राजनीतिक और सामाजिक विभाजन का मेल नहीं है। क्या कह रहे हैं आपका, कि सामाजिक और राजनीतिक विभाजन जो है उनका मेल नहीं है। उनका मानना है कि शेष स्थिति तो उस समाज में है जिस किसी किस्म का विभाजन ना हो। अगर किसी देश में सामाजिक विभाजन है तो उसे राजनीतिक में अभिव्यक्त ही नहीं होना चाहिए। अगर किसी का आपका सोशल आपका डिविडेंट है तो उसको पॉलिटिकल डिविडेंट में उसको व्यक्त ही नहीं करना चाहिए, उसको बताना ही नहीं चाहिए। ये इसमें आपका बोला गया है और ये इसमें आपका बताया गया है, ठीक है। ये थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक, क्लियर है। तो आपको ये चीजें सारी आपको समझ आएंगी। फिर इसके साथ यह भी सच्चाई है कि राजनीतिक में सामाजिक विभाजन की हर अभिव्यक्ति फूट पैदा नहीं करती, और कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि जो आपके पॉलिटिकल चीजें हैं वो हर जगह सामाजिक विभाजन में फूट ही पैदा करती हो। हमने पहले देखा है कि दुनिया के अधिकतर आपका देशों में किसी न किसी किस्म के सामाजिक विभाजन और ऐसे विभाजन राजनीतिक शक्ल में भी अख्तियार करते हैं, जो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजनों की बात करना एवं विभिन्न मौसमों से अलग अलग वादा करने वाली बड़ी स्वाभाविक बात है। विभिन्न समूहों को उचित प्रतिनिधित्व आपका देने का प्रयास करना और विभिन्न समुदायों के बीच उचित मांग जरूरतों को आपका पूरा करने वाली नीतियां बनी हैं। इस कड़ी हिंसा है अधिकतर देश में मतदान के स्वरूप और सामाजिक विभाजनों में कई एक प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है। इसके तहत एक समूह के लोग आमतौर पर एक दल को दूसरे से ज्यादा मुकाबला पसंद करते हैं, उसी को वोट देते हैं। कई देश में ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ एक ही समूह को ध्यान देती हैं और उनके हित की राजनीति करती हैं, पर इसका सभी
सबकी परिणति देश में विखंडन नहीं होता। देखिए सबका अलग अलग सोचना है और सबके क्या है अलग अलग मत है, ठीक, ये आपको ध्यान देना है और इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक। देखिए, देख लिया बच्चों, इसको देखिए कहानी है, हम इसको बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जितना पढ़ा है इसको एक बार पढ़िए और कोई भी डाउट बनता है तो आप मुझसे जरूर पूछिए। ठीक है, अब तीन इसमें जो आयाम है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी जो बात है इनके हम लोग आपका जो हम कल इससे मैं आगे लेक्चर बढ़ाएंगे उसमें करेंगे। तो बच्चों आज हमने इस चैप्टर के माध्यम से लोकतंत्र और आपकी जो हमारे विविधता है सामाजिक विविधताओं के विषय में पढ़ा, कैसे आपके देशों में टकराव होते हैं, कैसे आपका एक ही धर्म के बीच कैसे जो वर्ग निकलते हैं, उनमें जो आपसे हिंसक जो आपकी घटनाएं हैं, किस तरह से देश आपका विखंडनकारी आपके तत्वों में आपका बढ़ता है, हिंसा जाति आधार पर या किसी भी धर्म आधार पर आपका कितनी लंबी हो सकती है, इस सब के विषय में हम लोगों ने इसमें देखा, पढ़ा और समझा है। बाकी बच्चों अगर कोई डाउट बनता है तो कल हम लोग आपके लेक्चर के प्रारंभ में लेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।